सोहरा में गामटोल टोल विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन द्वारा 5 गांव में टोल की छूट देने की मांग को तो संघर्ष समिति ने ठुकरा दिया है। गामटोल टोल को लेकर क्षेत्र के लोगों में प्रशासन व NHI के खिलाफ रोष पनप रहा है। टोल को लेकर टोल संघर्ष समिति ने अब तक 3 बार विरोध किया। तीनों ही बार प्रशासन ने उन्हें आश्वासन देकर उनके प्रदर्शन को समाप्त कर दिया। हालांकि इस बार भी महापंचायत में प्रशासन द्वारा उनकी मांगों को स्वीकार करने की बात कही गई थी। इसी को लेकर प्रशासन ने टोल संघर्ष समिति को 5 गांव के टोल को फ्री करने की बात कही है, जिसको संघर्ष समिति ने सिरे से नकार दिया। लोगों से 1 किलोमीटर तक टोल लिया जा रहा है, जो कि गलत है। इसके लिए संघर्ष समिति का आंदोलन जारी रहेगा। संघर्ष समिति के संयोजक ने बताया कि ये क्षेत्र के हक की बात है। हर जगह पर आसपास के गांव के लोगों का टोल फ्री है। लोग सर्विस रोड पर जा रहे हैं तब भी टोल लग रहा है। एलिवेटेड रोड का इस्तेमाल नहीं करने पर भी लोगों को टोल देना पड़ रहा है। वहीं पैसा भी अधिक लिया जा रहा है। उन्होंने अपनी मांग रखते हुए कहा है कि समस्त गांव का टोल NHI व प्रशासन को फ्री करना चाहिए। अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो इन चुनावों के परिणाम के बाद एक बड़ी मीटिंग कर बड़े आंदोलन की तैयारी टोल संघर्ष समिति करेगी। उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि इस बार ये संघर्ष आर पार का होगा। दिन पहले हमने टोल संघर्ष समिति की मीटिंग की थी, जिसमें इस बात का निर्णय लिया गया कि जो हमारी कमेटी की मीटिंग टोल कर्मचारियों के साथ, NHI के साथ और DC साहब के साथ, जिसमें SDM साहब भी मौजूद थे, उस बात पर चर्चा करने के लिए हुई थी। क्योंकि हम उनको स्पष्ट कह कहते कि हमें 20 किलोमीटर में किसी भी हालत में छूट चाहिए इस इलाके को, क्योंकि हर जगह जब टूर पे छूटा तो हमारे यहाँ भी हमें मिलनी चाहिए। तो उसमें SDM साहब का मैसेज आया था DC साहब के माध्यम से कि आपको हम 5 गांव की छूट दे सकते हैं, इससे आगे हम छूट नहीं देंगे। तो हमारी कमेटी ने ये निर्णय लिया, हमें 5 गांव बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमें जो हमारा पुराना निर्णय है, हमें उसी पर रहना है। इसके बारे में हम जल्दी ही इस चुनाव के बाद में टोल संघर्ष समिति की मीटिंग करेंगे और वो डेट फिक्स कर देंगे जिस डेट को हमें आपके धरना प्रदर्शन करना। और आपका हमारा जो धरना प्रदर्शन होगा वो आर पार का होगा, आपका उठने वाला नहीं होगा। क्योंकि प्रशासन से हमने 3 बार प्रशासन की बात मान ली और हमारे लोग पंचायत करके वहां से धरने पर बैठने को लिए तैयार थे, उठ गए थे उनकी बात मानने के लिए। लेकिन अब की दफा हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारा ये अधिकार है। हमारे लोग 1 किलोमीटर में चल रहे हैं तो भी टोल दे रहे हैं, हमें एलिवेटेड रोड को यूज ना करें तो भी हम टोल देंगे। 60 किलोमीटर टोल वाली बात है वो भी यहाँ खत्म है। पर किलोमीटर 1 रुपया 61 पैसा किलोमीटर वाली बात है वो भी यहाँ किसी बात को मानने के लिए तैयार है। हमें तो पूरे गुड़गांव जिले के जितने भी आप राजीव चौक से लेकर सोहना तक इतनी बुरी हालत हो जानी है, इन लोगों को सर्विस लेन भी पे चलने लायक भी नहीं रहेंगे। ये हालत यहाँ की है। तो दोबारा डेट आपको बता देंगे और उसमें आपके भारी संख्या में लोग आएंगे, पूरे जिले से लोग आएंगे। सत्य खबर के लिए सोहना से संजय राघव की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।